हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर एक से और नया डिज़ाइन बनाएंगे। तो जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन बनेगा स्लीव का, वो हाफ स्लीव का रहेगा। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्लीव की लंबाई देख लेते हैं कितना है। तो स्लीव की लंबाई हमने 7 इंच रखी है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे दो कलर का फैब्रिक लेंगे हम। येलो फैब्रिक जो हमारा है 2.5 इंच का है, और ग्रीन जो फैब्रिक है वो 2 इंच का है। अब यहाँ पर दोनों कपड़े को साथ में रखते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे हम। सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पे नाखून की हेल्प से हम कपड़े को सीधा कर ले। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अब इस तरह से कपड़े को रखते हुए हल्का येलो वाला जो कपड़ा है बाहर निकालेंगे, जैसे हल्का पाइपिंग दिखाई देता है उस टाइप में। और यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद ऊपर के साइड जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर इसे 3-3 इंच की लंबाई में कट कर लेंगे। हो चुका है। अब कट करने के बाद इसे हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो पाइपिंग जो येलो वाला है वो दिखे। और इसी तरह से सारे कपड़े में डिज़ाइन को हम बना लेंगे। बाद यहाँ पे अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। और जो ऊपर के साइड में जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पे एक येलो कलर का फैब्रिक लेंगे जिसकी लंबाई 5 इंच है। चौड़ाई हमारे स्लीव के अनुसार होगा। और अब इसे यहाँ पे डबल फोल्ड का प्रयोग करते हुए एक स्टिच कर लेंगे हम यहाँ पे। करने के बाद यहाँ पे अब जो डिज़ाइन जो हमारा बना हुआ था उसको इसी तरह से इस कपड़े पे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पर जो कपड़ा कम बचा है तो यहाँ पर डबल फोल्ड करके कपड़े को इस पर सिलाई इसी तरह से हम लगा लेंगे डिज़ाइन को। और अब यहाँ पे हम ऊपर के साइड जो कपड़ा एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। के बाद अब बारी आती है यहाँ पर लैस लगाने की। तो लैस आप अपने पसंद से हिसाब से लगा सकते हैं, और पतला लैस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि डिज़ाइन हमारा ज़्यादा छुपेगा नहीं। अब इसी तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे आप सलवार की मोहरी ट्राउज़र पैंट पे ही डिज़ाइन बना सकते हैं, प्लाजो पैंट का भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे के साइड में भी लैस लगा लेंगे। लैस को हम नीचे रखेंगे, कपड़े के ऊपर नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर के साइड में भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पर स्लिप पर सेंटर मार्क पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर थोड़ी सी लेस बची हुई है तो उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पर स्लीव को सीधा रखेंगे और जो डिजाइन हमारा जो बना उसे उल्टा करके यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे सीधा कर एक और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ऊपर की साइड में, ताकि और अच्छी फिनिशिंग आए। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।